अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है? सब योद्धा मूवी का टीज़र आ चुका है, उसका रिव्यू करने वाले हैं, जहाँ असल में तुम कह सकते हो इसकी कास्ट में हमारे पास है सिद्धार्थ मल्होत्रा। जहाँ तुम ये कह सकते हो ये जो टीज़र है एक मिनट का टीज़र है, क्या कुछ बता देता है, थोड़े बहुत सीन्स हैं, लेकिन जितना सब कुछ हमें इस टीज़र के अंदर देखने को मिल जाता है वो ऐसा है कि मूवी हाइप अप कर देती है। जहाँ एक चीज़ ये कि हमारे पास बाकी सब कुछ टीज़र के अंदर जो देखने को मिले हैं वो विजुअल्स हैं, क्योंकि टीज़र ही एक मिनट का है। जहाँ तुम ये कह सकते हो मुझे क्या चीज़ पसंद है, गन शॉट्स वाले सीन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तुमने वो कैमरा एंगल्स वाले सीन्स देखे, वो चीज़ काफ़ी स्पेशल लगी। जहाँ मूवी एक तरीके से किस तरीके की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है, कहीं ना कहीं वो शेष और उरी मूवी जैसी वाइब दे रही है। जहाँ कास्ट में हमारे पास परफेक्टली सिद्धार्थ मल्होत्रा एक तरीके से परफेक्ट मैच हो रहे हैं एक पुलिस ऑफिसर के रोल में। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास इस टीज़र के अंदर एग्जैक्ट एक मिनट का टीज़र है, तुम्हें बहुत कुछ हो रहा है जो कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तुम इतनी जल्दी हर चीज़ को पिक नहीं कर सकते। तुम स्लो करके देखोगे तुम काइंड ऑफ उसकी कहानी को समझ सकोगे, तुम स्लो करके देखोगे तो तुम काइंड ऑफ ट्रेलर का ब्रेक डाउन करना शुरू कर दोगे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि काफ़ी जल्दी चीज़ें काफ़ी जल्दी दी हुई। शुरू में थोड़ा सा चौपी सा लग रहा था कि हाँ भाई कट सीन्स काफ़ी हैं, जिस वजह से वो चीज़ इंप्रेस नहीं करी थी, लेकिन एक सीन जो आगे आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, वो एक्शन सीन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि हाँ भाई कहानी किस तरीके से चलने वाली है वो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल तरीके से देखोगे तुम्हें कहानी पता नहीं चलेगी, थोड़ी सी स्पीड स्लो करोगे तो काइंड ऑफ तुम समझ सकते हो कि हाँ कहानी खुद को किस ट्रैक पर लेके जा रही है। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास ट्रेलर इतना तेज़ी से हो जाता है, अगर तुम स्लो करके देखोगे तो तुम काइंड ऑफ कह सकते हो हाँ तुम ट्रेलर का ब्रेक डाउन करो तो तुम्हें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती। लेकिन एक चीज़ ये हमारे पास बाकी सबको देखने में तो मज़ा आ रहा है, यकीन करो एक अलग वाइब महसूस हो रही है इस मूवी, वाइब तो आ रही है मूवी से। स्टोरी है एक प्लेन हाईजैक की, तुम ये कह सकते हो मूवी में थ्रिलिंग सीन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि टीज़र इस तरीके से शोकेस कर रहा है। जहाँ एक चीज़ और कह सकते हो हमारे पास शेरशाह वाले मेकर्स ही हैं जो इस मूवी को बना रहे हैं, तो काइंड ऑफ तुम कह सकते हो वो बिलीफ वो ऑनेस्टी नज़र आएगी कि हाँ मूवी में पोटेंशियल सही तरीके से नजर आएगा। अगर शेरशाह वाले मेकर्स हैं तो तुम भरोसा रख सकते हो। दिशा वाथनी भी इस मूवी के अंदर हैं जो कि एक एयर होस्टेस नज़र आ रही हैं। 15 मार्च मूवी आने वाली है और यकीन करो मैं देखने वाला हूँ इंशाल्लाह, अगर मुझे टाइम मिला मैं ज़रूर देखूँगा। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखने चैनल में सब्सक्राइब मुझसे पसंद मिला मैं यहाँ मिलूँगा, तब तक देखते हैं।